She came to drop her mother to go into that Big Boss house. But there was Dolly also. Craziest. Her mother had a great time in the house. So I remember she was 8 years old. And that's the first time I met her. And then after that, I called her for another film that did not work out. And then she worked on Antim with us. She learned everything behind the scenes. She worked as an assistant director. And then from there, she came into this one, where she early was reluctant to do it, but then she got it. पहले से प्रिपेयर करना चाहिए था कि ये सारी चीजें बाहर निकलने वाली सो शुड बी रेडी विद दैट विनाली माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू एज वेल सो वेलकम टू द स्टेज वेलकम टू द प्रेस एज वेल यू नो जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ मैग्नम ओपस आजकल तो जो बड़ी बड़ी फिल्में यू नो एंड एक बात तो क्लियर हो गई है द ऑडियंसेस विल कम फॉर द बिग वंस देन दे विल डिसाइड ऑन द थर्ड डे डिड दे लाइक इट और डिड दे नॉट बट यू विल सी दैट आई रिमेंबर समबडी ऑलवेज टेलिंग मी कि बहुत बड़ी फिल्म है ना ऑलरेडी स्टार्टिंग में इतने सारे लोग तुम्हें देख लेते हैं बहुत फायदा हो जाता है कई बार बहुत अच्छी फिल्में ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती सो दिस ऑलरेडी इज अ ग्रेट कॉलिंग कार्ड सो जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेट्स टॉक अबाउट दैट टू अस वहां से यहां तक की जर्नी वाज लॉन्ग एंड वर्थ इट 60 साल की हो ना आई मीन बट यस इट वाज वर्थ इट कितने साल की हो 60 लॉन्ग मतलब सो वो पब्लिकली नहीं बता सकती सो बट बहुत लाइक मतलब कि परसों से लेके आज तक की जो संघर्ष हुआ यस इतना तो समझ गए बोलो 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 अब मैं भूल गई मुझे क्या बोलूं क्या कैसी फीलिंग लगी जस्ट यू कैन जस्ट ऑफ कोर्स गिव योर वर्जिन इमोशन सो आई कुड हैव नॉट गॉटन एनीथिंग बेटर देन वर्किंग विद सलमान सर इट इज आफ्टर लाइक लाइफ हैपेंड इट जस्ट ब्लेस्ड मी विद द बेस्ट And I'm glad, I'm happy, I'm so grateful. Thank you, Salman sir, for this Thank you, thank you, my dear. Thank you very much for being a part of this film. And you guys are amazing in the movie. I'll show it to you very soon. Trailer ke hisab se mat jana ki ek do shot hai picture mein ho to. Ek din maine Shehnaz ko rough offline edit dikha di. तो शहनाज देख रही है उसको मैं समझ में आ गया कि सिर्फ अपना शॉट देख रही है उतना स्टार्टिंग में एक्चुअली होता है यूज़ ये बिग फिल्म आई गेस उतनी एक्साइटमेंट है और वो बिल्कुल जायज है अब नाउ वी टॉक टू द थ्री बॉयज ओ या प्लीज प्लीज सो दिस इज इन रिगार्ड टू सलमान सर And the only person who's described me as I describe myself at home with my family and friends, I still feel like a schoolgirl. मैं सुबह जाती हूँ. Good morning, sir. Good morning. I hope you had your lunch. And thank you so much. Good night. ये conversation पूरी industry में ना सिर्फ यहाँ पर but entire certain industry knows कि मैं ऐसी हूँ. Not that I'm proud of it, but I still feel like that schoolgirl who goes to school घर आके खाके सो जाती है. And he is absolutely, you know, described me perfectly well. But you're also that school girl जिसको exam में अच्छे marks भी तो मिल गए, super hit picture मिल गई, perfect है. Right, moving to the boys, Jesse Baji, so good to see you. आप इतने कमाल के singer हैं, आपकी इतनी अच्छी fan following भी है. Thank you, भाई. They'll all be super happy कि आप सलमान भाई के साथ picture में आ रहे हो. जी. ये कभी ना कभी तो होना ही था. I'm happy कि इसमें हो गया है. तो बताइए सर, ये कैसा रही जर्नी? But मैंने नहीं सोचा था ये कभी ना कभी होगा क्योंकि मेरे लिए मतलब मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे अगर फिल्म देखने भी जाना होता तो एक हफ्ता पहले से प्लानिंग शुरू होती थी कि जाना है तो मतलब आज अगर भाई के साथ काम करने का मौका मिला स्पेशली काम करने का नहीं जैसे भाई ने हमें रखा है तो मतलब वो चीज़ वो ज़िंदगी भर याद रहेगी मतलब हम अपने बच्चों को बताएंगे होगा ना कि बाद में कि हमने सलमान भाई के साथ काम किया था तो मतलब हम छोटे भाइयों की तरह हमें रखा है फिल्म में तो जो है वो दिखेगा स्क्रीन पर बट वैसे नॉर्मली मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि आज मैं पर्सनली भाई को जानता हूँ और हमारी बात होती है यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए थैंक यू जी सिद्धार्थ यू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉलोइंग्स दैट आई नो यू नो विद द
with the children, with the television crowd everywhere. So congratulations first on that. You know, it's very difficult to... Wait, that has changed. It's women as well now. Achha, so... All right, the graduation is happened. Yes, he's got more of a fan following women than 1, 2, 3, 4, 5, 6, everyone. तो चलो ये बात तो आपकी ग्रेजुएशन होगी, इट्स फैंटास्टिक, बट गुड टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन आल्सो. सो लेट्स टॉक अबाउट द वुमेन इन योर लाइफ नाउ. आजकल कैसा चल रहा है आपके लाइफ में? डीएम ज्यादा बढ़ गए कि इंस्टाग्राम पे? मदर्स सिटिंग राइट हियर, शी इज जस्ट लाइक, ये तो पूरा कैमरा पर आ रहा है. सलमान सर ने बोल दिया प्लीज शट योर इयर्स फॉर 2 सेकंड्स. ये पहला बंदा है जो मॉलडीव्स मम्मी को लेकर जाता है. मम्मी को और नहीं, हम लोग तो कैसे जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ मॉलडीव्स. आप कब गए थे मॉलडीव्स? अच्छा, डोंट डॉज द क्वेश्चन. बोला आपको आंसर करना है कि नहीं? नहीं, वो वाला क्वेश्चन मत दो, वो तो ऐसे मैं टाइम पास कर रहा था. बट यस, जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ दिस बिकॉज़ यू आर सो कॉन्फिडेंट आल्सो ऑन स्क्रीन. एवरी टाइम आई सी यू आल्सो यार, इट फील्स लाइक ये अगला पड़ाव था जो आपने पार कर दिया, ऐसा है क्या? सर, वेरी ऑनेस्टली लाइक आई वाज मैनिफेस्टिंग इट कि कभी मुझे यू नो मौका मिले सर के साथ काम करने का, और सर मुझे कभी अपनी फिल्म के लिए मुझे बुलाए. ऐसे यू नो आप एक सोचते हो, ड्रीम करते हो, सपना देखते हो, और मेरा वो सपना सच हुआ है. तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती. मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं. और जब मुझे पता चला था कि इस फिल्म में मैं हूँ, मैं उस दिन पूरा रो रहा था, खुशी के आंसू निकल रहे थे मेरी आंखों से. सो मैं दिल से सलमान भैया को थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़, किसी का भाई किसी की जान, आप सब प्लीज़ देखिएगा. एंड मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सीखा मैंने. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो आई हैव नोन सिद्धार्थ सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ. सो आई वाज शूटिंग फॉर आई थिंक प्रेम रतन देन 5 एंड देन आफ्टर दैट 4-5 फिल्म्स. आई वाज स्टेइंग इन एनडी स्टूडियो, ही वाज बेस्ड देयर. मैं तो फिर भी एक महीने में 2-3 बार वापस आ जाता था फॉर 2-3 डेज. ये तो वहीं पे थे. सो ऑल हिज लंचेस, डिनर्स, workout, all his writing, workout, everything used to be with me on that. I'll tell one story. For years, I think there was also Lada. Very long. I'll tell you. Sir, I'm already very jealous. आपने workout किया सलमान सर के साथ? हाँ, अरे I'll tell you the story. मैं इसके साथ नहीं करना workout. तो workout के साथ ये backflip, फ्रंट फ्लिप और पता नहीं ये सब करता है. वो देख के ना सडनली आपको ऐसा लगता है कि ये बचपने में मैंने क्यों नहीं किया, मैं सिर्फ ऐसे ही क्यों खड़ा था, ये सब कर लेना चाहिए था. नहीं भैया, आपका स्वैगी काफ़ी है. वेल, आई टेल यू वन स्टोरी. जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला था और फिर थोड़ा हमने यू नो टाइम स्पेंड किया था साथ में यू नो लंच, डिनर एंड वर्कआउट्स करते थे. तो सर ने मेरे से बोला कि हम लोग कभी साथ में काम करेंगे. इट वॉज वेरी लॉन्ग बैक, मतलब 8 साल हो गए इस बात को. तो बीच में तो मैंने भी होप छोड़ दी थी कि यार यू नो सलमान सर के आज बहुत लोग होते हैं उनके यू नो साइड में, आई एम श्योर कि मुझे भूल गए होंगे. बट टुडे आई एम वर्किंग विद हिम, ये यू नो प्रूफ करता है कि ही यू नो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ही हैज अ गोल्डन हार्ट. सो थैंक यू सो मच. इसमें तो कोई दोहरा नहीं है. इट इज नॉट दैट, इट वाज दीस गाइस सूटेड द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म स्पेशली. और ये इसको तो मैंने स्टेज पर देखा था, तो इसके साथ तो या 100% काम करना ही होगा, क्योंकि ये सब हमारे लेवल को बढ़ाते हैं. बड़ी फनी चीज. हाँ, ये जो खुद का करता है तो बहुत अच्छा करता है, जब इसको कोई स्टेप्स दे करने के लिए तो ट्रस्ट मी जसी पाजी डज बेटर देन हिम. तो मैं तो यंटम गाने में तो शौक है इसको, ये नहीं आ रहा था ऐसे, ये ऐसा रागा सुन बेटा ऐसा है ये. और पहली बार जिसने स्टेप सिखाया नहीं, स्टेप्स ट्रांसफर किया, पूरा ट्रांसफरेशन था. लेकिन ये मैं दिखाने वाला हूँ भाई, सर ने जो बोला ना. हाँ, मेरे पास सर 3 लुंगी है, मैं थोड़ा करवा दूंगा. आप पहनो लुंगी, अब मैं लुंगी से निकल गया हूँ. अगर ये आप नहीं सर, इन तीनों को मैं पलाऊंगा. अब सिर्फ पुंगी हो जानी है. इन तीनों को सर पलाऊंगा. 21st से नहीं नहीं, कोई इनके लिए लुंगी नहीं, आप लोगों के लिए होगी. लेकिन इससे पहले रदा भी और बिग फैंस ऑफ यू यार. मैं भी जींस के ऊपर लुंगी ना, शॉर्ट्स के अंदर छोटी शॉर्ट्स, ब्लू वाली डेनिम वाली, सबके लेग्स थाई सब मार मार के जाते थे. तो वो वाइब अच्छा था बहुत. लेकिन यहाँ पर जींस के ऊपर पैंट्स के ऊपर क्या लुंगी लगेगी, अच्छी नहीं लगती. लुक्स गुड. अब जब अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल देना
पहले से शॉर्ट्स में आ रहे बट राघव ब्रदर यू नो तुम ऑलवेज बड़ी इजी रहे हो यार फ्रॉम द फर्स्ट इवन फ्रॉम व्हेन यू वर ऑडिशनिंग आई रिमेंबर वही वायरल चले गया था उसके बाद द वे यू बीन फॉर ऑल दीस इयर्स इतनी अच्छी पता ये चल जाएगा क्या ऐसा एसोसिएशन है जी स्टूडियोज का एंड हाउ डू यू गेट इनटू अ प्रोजेक्ट विद यू नो व्हेन यू हैव अ सलमान खान अ मेगास्टार प्रोडक्शन नो द एसोसिएशन बिटवीन जी एंड सलमान सर थोड़ा ज्यादा बोलेंगे ना सर का मुंह खुल जाएगा सीन की डिमांड है केमिस्ट्री देखिए लेकिन कोई उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा क्यों सिद्धार्थ है ना